जब कोविड हुआ था स्कूल बंद हुए थे तो आपने अपने ही घर में मोबाइल पे आपको टीचर्स नोट्स देते होंगे, आप खुद स्टडी करते होंगे। तो आजकल वो टाइम नहीं रहा है कि आपको फिजिकली ही टीचर अवेलेबल होगा तो आप पढ़ोगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, हमारे डायरेक्टर की साइट है, मैं आपके सर ने बताया होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप मटेरियल निकाल सकते हो। तो आप यूट्यूब में देखोगे तो चाहे मैथ है चाहे साइंस है, वो लेक्चर आपको उस टॉपिक पे मिल जाएगा। तो आप अपने डाउट्स जो है वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने डाउट्स अपने क्लियर करने हैं, तो अब जो आपके पास 2-3 महीने बचे हुए हैं, देखो अब आपके पास दिसंबर आने वाला है, नवंबर तो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हैं। इसमें भी मान के चलो आपकी 12 तो संडे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ अगर गजटेड हॉलीडे मिला ले 20-25 छुट्टी हो जाएंगी। तो मिल मिला के आपको लगभग लगभग 40-45 दिन का वर्किंग मिलेगा, हो सकता है उससे भी कम हो। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 2-3 बातें बोलूंगा आपको। अगर आपने अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपने 3 चीज़ें छोड़नी हैं। आप सारे अपनी लाइफ चाहते हो ना, आपकी लाइफ अच्छी हो, yes, sir. बढ़िया लाइफ जीना चाहते हो ना, yes, sir. तो बढ़िया लाइफ जीने के लिए अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने के लिए तैयार हो, yes, sir. तो उसमें सबसे पहले आपने क्या छोड़ना है, अपनी नींद त्यागनी है। आप में से बच्चे जो है सुबह आप कुछ जल्दी उठते होंगे, कुछ लेट उठते होंगे, तो कुछ बच्चों को उनके मम्मी पापा जबरदस्ती उठाते हैं। तो कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी नींद को त्यागना है, ठीक है। जैसे अब सर्दी का मौसम है, सुबह शाम ज़्यादा ठंड हो गई है, तो कंबल में गर्म बिस्तरे में सोने का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो तब तक ही है जब तक आप बिस्तरे में हो। एक बार छोड़ के बाहर आए तो आपको वो ठंड नहीं लगेगी फिर, तो आपको अपना कंफर्ट भी त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हम आराम की ज़िंदगी जो है जी रहे हैं उसको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। जो 2-4 साल आपकी लाइफ के हैं, जैसे 10th वाले बच्चे हैं, 4-5 साल 6 साल उनका हो गया, तो आप थोड़ा सा उसको, एक तो आपने नींद त्यागनी है, एक कंफर्ट को छोड़ना है, और तीसरी है लेजीनेस, जो सुस्ती है उसको भी त्यागना है। तो ये चीज़ें अगर आप त्यागते हो तो आप लाइफ में आपको सफल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। आपके टीचर हमेशा अवेलेबल हैं, मैंने बता दिया, आप ऑनलाइन अगर किसी भी किस्म की अपना डाउट जो है वो यूट्यूब से क्लियर कर सकते हो। आज वो टाइम नहीं रहा, आज से 20 साल पहले क्या था, जब हमारा 18-19 साल पहले जब मोबाइल्स आए तो तब हमें 1 GB डाटा मिलता था 200-250 रुपये में, ठीक है। तो आज 200-250 रुपये में अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। तो पहले लोग तैयारी करने के लिए अपना शहर छोड़ के बड़े शहर में जाते थे, जैसे यहाँ से कोचिंग किसी ने लेनी है वो उधमपुर में जाते थे, उधमपुर वाले जम्मू में जाते थे, या उधमपुर जम्मू वाले और भी बड़ी अच्छी कोचिंग लेनी होती थी वो चंडीगढ़ या दिल्ली में जाते थे। आज आप अपने घर में लैपटॉप पे, अपने टीवी पे, मोबाइल से कनेक्ट करके जो ऑनलाइन आप कोचिंग आपको वहाँ जाके लाखों रुपए में मिलनी है वो घर में मिल जाती है। और बड़े सारे जो टीचर्स हैं वो, आप मैथमेटिक्स में आ जाओ तो एक खान सर हैं बिहार के, तो उनका जो इंस्टीट्यूट है वो 40-45 बच्चों को ही कोचिंग देते हैं, और उनके 90% बच्चे जो हैं IAS क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो आपको, आपने अपनी अपनी पढ़ाई में अभी ध्यान देना है। और जैसे आप देखो, आपने स्कूल आना होता है तो आपको पता है कि आपको घर से इधर तक 1 घंटा लगेगा, तो तैयार होने के लिए भी आपको आधा घंटा चाहिए, नहाने धोने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली 10 बजे का स्कूल लगता है तो आप 8 बजे तक तैयार हो जाते हो, नाश्ता नुश्ता करके या लेके अपना लंच लेके 8:30 बजे निकलते हो। तो आप बाकी काम पीछे छोड़ देते हो ना, तो जिस चीज़ से आपका फ्यूचर बनना है तो उस फ्यूचर बनाने के लिए आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जिससे फ़ायदा हो हमें वो काम करना हो ना, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलो यहाँ से वो पीछे पेड़ है उधर चले जाओ, तो कौन कौन जाने को तैयार है, हाथ खड़ा करो। ये तो सारे तैयार होंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसके मन में ये आया कि भाई वहाँ जाना क्यों है, अभी मैं पूछता हूँ, भाई वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको सोने का हिरन मिलेगा, अब कौन कौन जाने को तैयार है,
जब आदमी को ये क्लियर पता हो वो एक ही तैयार हुआ। जब आपको पता है वहां जाके आपको सोने की कोई अशरफी मिलेगी, कोई ऐसी चीज मिलेगी वहां पे, तो सारे चले जाते हैं। तो मेहनत करने से, वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, सक्सेस का जो ताला है वो हार्ड वर्क से ही खुलता है। आज दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें बिना हार्ड वर्क किए कोई कामयाब हुआ होगा। कोई भी क्लास की पढ़ाई ले लो, चाहे आप फर्स्ट क्लास की ले लो चाहे टेंथ की, एट्थ का बोर्ड है टेंथ का बोर्ड है। ठीक है, यहाँ से आप लोग सौभाग्यशाली हो, आपके पास ही इधर बरमीन में हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो बरमीन का जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर हायर एजुकेशन के लिए जहाँ वो उधमपुर में आ सकते हैं, जब प्रोफेशनल में जाना है तो आप वैसे ही वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, एट्थ क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बच्चे के थे यहाँ पे बोर्ड में? 80% से वो किसके मार्क्स थे? एट्थ क्लास जो नाइन्थ में पढ़ रहा है, जो बच्चा अब नाइन्थ में, हाँ कितने मार्क्स थे आपके? 152 आउट ऑफ 200, अच्छे मार्क्स थे आपके, 75% मार्क्स। वेरी गुड, वेरी। टेंथ में, अभी नाइन्थ में हो आप? टेंथ वाला कोई बच्चा जो जिसने कोई अपना एम बनाया हो, मैंने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, हाँ जी कोई खड़ा हो जाए। टेंथ वाला कोई बच्चा जो एम बनाया हो, मैंने 60% लेने, 70% लेने, 80% लेने। कोई बात है संधु, बताओ क्या टारगेट रखा, कितने परसेंट? कितने परसेंट का टारगेट है? 80% आपने 80% का है, तो आपको पता है 80% मार्क्स आते कैसे? ये चीज आप गूगल से भी पूछ सकते हो, जा कोई आपकी दीदी या कोई आपके रिश्तेदारों में या अपने टीचर से पूछो, मुझे 80% मार्क्स लेने हो, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, मुझे कितने घंटे रोज के पढ़ने चाहिए। जिस बच्चे ने 90% मार्क्स लिए वो ये तो बता सकते हैं 80% कैसे लेने। अब जिस बच्चे ने लिए 50% है वो क्या बताएगा आपको 80% कैसे लेने। हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं या जो हासिल करना चाहते हैं, तो हमें राय उसी से लेनी है कि हम 80% कैसे स्कोर करें। तो आपने 80% स्कोर करने के लिए कम से कम 90% की तैयारी करनी है, क्योंकि आप जैसा पेपर में लिखो जरूरी नहीं है, जितने इतने मार्क्स आप लगाओगे आपको उतने उतने मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी तैयारी करनी है। तो देखो, आप स्कूल से जब घर जाते हो तो ओबियसली आप चार अंधेरा हो जाता होगा, आजकल जो दूर के बच्चे हैं 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। ठीक है, सुबह फिर आपके टाइम पास टाइम है। तो जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इस लाइफ में आपने क्या करना है, ये किस्म का क्या होता है, तपस्या होती है। तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करो, बड़े ज़्यादा नहीं उठे तो 5:30 बजे उठ के थोड़ा 1-2 घंटे सुबह पढ़ लेना, और 1-2 घंटा आपने शाम को भी निकाल लेना। और जो लड़के हैं या लड़कियां हैं खास करके, वो घर में थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा उन्होंने कोऑपरेट करना है। बड़ा नहीं कहूँगा कि बड़ा काम करना है, लेकिन अगर मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करनी पड़े वो भी कर देंगे। ठीक है, तो बाकी ये आपकी प्रॉब्लम है जो भी आपकी, इस समय पूरी ही हमारी यूटी में स्टाफ की शॉर्टेज है। और सर बता रहे थे आपके कि जो आपके क्लस्टर हेड है हमारे, जो प्रिंसिपल